हाय फ्रेंड्स, नमस्ते गेम चैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेयर स्टाइल करना हम सबको ही पसंद है और अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करके हम हमारा एक नया ही लुक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ये सारी बातों में लिमिटेशन आ जाती है। हमारे बालों में स्टाइल तब भी अच्छी लगती है जब हमारे बालों में डैंड्रफ ना हो। डैंड्रफ होने का सबसे बड़ा रीज़न है मेलेसेजिया। ये एक फंगस है जिनके कारण हमें हमारे स्कैल्प में इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ कि आप आपके बालों से डैंड्रफ को कैसे निकाल सकते हैं और आप जो चाहे जैसी चाहे आपकी मनपसंद वाले हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, और साथ में मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। शैम्पू के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ न्यू हेड एंड शोल्डर्स का स्मूथ एंड सिल्की 2-in-1 शैम्पू प्लस कंडीशनर। इसमें शैम्पू और कंडीशनर साथ में ही है, इसलिए हमें अलग से कंडीशनर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हेयर वॉश करने के लिए आपको लिक्विड वाटर यूज़ करना है, यानी कि ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं। सबसे पहले हम लिक्विड वाटर की हेल्प से हमारे पूरे बालों को वेट कर लेंगे। उसके बाद आपको इस तरह से 5 से 6 चम्मच जितना शैम्पू लेना है और इसमें हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी। इस तरह से हम फोम बनाएंगे। हम इसे हमारे स्कैल्प में अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। इसके एक ही यूज़ में आपको बहुत ही अच्छा फर्क लगेगा। आपका जो डैंड्रफ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। हेड एंड शोल्डर्स 2-in-1 में एक मेन इंग्रेडिएंट है ZPT, जो डैंड्रफ के सामने फाइट करने में हेल्प करता है। ये शैम्पू के साथ साथ आपके बालों में कंडीशनिंग भी करेगा, जिससे हेयर वॉश के बाद आपके हेयर ड्राई नहीं लगेंगे और बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि हेड एंड शोल्डर 2-in-1 शैम्पू प्लस कंडीशनर इंडिया में पहली ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके बालों को शैम्पू और कंडीशनिंग एक ही बार में कर देती है। मतलब अब से आपको डैंड्रफ हटाने के लिए 2-step process या फिर 2 अलग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने पड़ेगी। पूरे बालों में शैम्पू अप्लाई हो जाने के बाद हम ठंडे पानी की हेल्प से हेयर को वॉश करेंगे, जिससे हमारे क्यूटिकल्स क्लोज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे शैम्पू कर लिया है, मेरे बाल टोटली सूख चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे बाल स्मूथ और सॉफ्ट लग रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। मेरी टिप नंबर 1 है कि हेयर ऑयल को आपको ऑलवेज 1 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट ही रखना चाहिए। आपको 2-3 दिन तक बालों में ऑयल नहीं रखना चाहिए। इसके कारण भी हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। टिप नंबर 2 है कि आप ज़्यादा हेयर ड्रायर का यूज़ ना करें। आपको नेचुरल एयर में ही बालों को सुखाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा हेयर ड्रायर का यूज़ करोगे तो उसके कारण भी हमारे बाल डैमेज होते हैं और उसके कारण भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। मेरी नेक्स्ट टिप है कि गीले बालों में आपको कोई भी हेयर स्टाइल नहीं करनी है। बाल हमें अच्छी तरह से सुखाना है, उसके बाद ही आप बालों में पोनीटेल कर सकते हैं या फिर आप कोई भी अच्छी सी हेयर स्टाइल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी लास्ट वाली टिप है कि बाल को डैंड्रफ फ्री रखना है, स्मूथ और शाइनी रखना है, तो यूज़ कीजिए न्यू हेड एंड शोल्डर्स का एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये वाला शैम्पू आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत बहुत ही पसंद आएगा। अब मैं आपसे 2 हेयर स्टाइल भी शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट वाले हेयर स्टाइल। तो उसके लिए आपको इस तरह से दोनों साइड से बाल को निकाल लेना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको करना है। जो हमने बाल निकाले थे उसे हम क्लचर की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे और पीछे वाले जो हमारे बाल है उसे हम रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। उसमें से थोड़ा पार्ट इस तरह से हम निकाल लेंगे और हम इसमें चोटी बनाएंगे, सिंपल वाली चोटी बनाते जाना है। और इसके लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इस तरह से बाल को हम चोटी के अंदर मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों, हम सबको पता है कि ऐसी ब्यूटीफुल और क्यूट सी हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमारा जो स्कैल्प है वो डैंड्रफ फ्री होना चाहिए और साथ में हमारे जो बाल है वो सॉफ्ट और स्मूथ भी होने चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट वाली हेयर स्टाइल रेडी है, ये बहुत ही क्यूट लगती है। सेकेंड वाली हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको इस तरह से आपके कान की ऊपर की साइड से बाल को लेना है। इसकी भी आपको सिंपल वाली चोटी बनानी है। तो इस तरह से आपको चोटी बनाते जाना है और साइड से बाल को लेते जाना है। तो ये हमारी सेकेंड वाली हेयर स्टाइल भी रेडी है। तो
तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको भी ये शैम्पू खरीदना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।